खिलाफ है। ये इसलिए प्रोटेस्ट किया गया है, 2016 में एक एडवर्टाइजमेंट निकलती है 48 पोस्टों में, कोचिस की 48 पोस्टें, और उसमें 17 कोचिस एप्लीकेंट होते हैं। तो उसके बाद उन कोचिस के पूरा प्रोसेस होने के बाद उन कोचिस को एक न्यूज़ मिलती है कौंसिल से कि ये फाइल गुम हो चुकी है, किसी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, जो एक्स स्पोर्ट्स सेक्रेटरी द्वारा गुमा दी गई है। फिर इन्होंने हार कर ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि इन कोचिस की रिक्रूटमेंट 4 महीने के अंदर होनी चाहिए, मगर स्पोर्ट्स काउंसिल अभी तक इस बात को हुए 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, अभी तक वो बंद कमरों में एसी के नीचे बैठ के मौन धारण किए हुए बैठे हुए हैं। आज हमारा युवा कोच सड़कों पे है, इतना हरास हो चुका है, आज वो यूथ इतना हरास हो चुका है, कोचिस आज अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतर चुके हैं, और यूथ कांग्रेस उनका साथ दे रही है, और यूथ कांग्रेस उनका तब तक साथ देती रहेगी जब तक हमारे ये 17 कोचिस नियुक्त नहीं किए जाते स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा। अगर ऐसा नहीं करती स्पोर्ट्स काउंसिल, यूथ कांग्रेस इससे भी बड़े प्रदर्शन करेगी। के स्पोर्ट्स काउंसिल, जेएनके 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 स्पोर्ट्स काउंसिल, सदा हक, सदा हक, पोचों का हक,